सब टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल बालवीर रिटर्न्स की अपकमिंग एपिसोड्स काफी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। यूं तो इन दिनों शो में काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिला, लेकिन आने वाला ये हफ्ता होगा और भी ज्यादा धमाकेदार, जहां हमें एक के बाद एक नए नए ट्विस्ट अब शो में देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब एक और जहां रे बिरबा की मदद से, बिरबा के जादू से बनाए चश्मे की मदद से वो देखने वाला है देबू की आत्मा को, यानी यहाँ पर देबू और रे का आमना सामना एक बार फिर से होने वाला है। लेकिन इस बार हमारा देबू अपने इंसानी रूप में नहीं होगा, बल्कि देबू की आत्मा होगी और रे अपने रूप में होगा और दोनों का आमना सामना होगा, जहां रे देबू का ये हाल देखकर मन ही मन खुश तो बहुत होगा। यहां पर आप देखेंगे कि रे देबू को चैलेंज करता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि अब एक और जहां भगवान ने वापस बालवीर को भेज दिया है 10 दिन के लिए धरती लोक पर, और यहां पर किसी भी मुसीबत में फंसे इंसान को बालवीर अपनी शक्तियों की मदद से बचा सकता है, उसकी मदद कर सकता है। यानी यहां पर बालवीर यानी देबू की आत्मा के पास ये एक खास तरह की शक्ति है कि वो किसी की भी मदद कर सकता है, और ऐसे में रे को भी जब ये दिखेगा तो वो कहीं ना कहीं हैरान जरूर होगा कि आखिरकार देबू की आत्मा ये सब कैसे कर सकती है। वेल, शो और भी ज्यादा मजेदार तो तब होगा जब बाल परी, अनन्या और विवान तीनों को ही होगा इस बात का एहसास कि देबू है उनके आसपास। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि बालपरी जब आएगी धरती लोक पर, करेगी अनन्या और विवान से बातचीत। अनन्या और विवान दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि धरती लोक पर सिर्फ वो दोनों ही ये सच जानते हैं कि देबू के साथ क्या हुआ है। यहाँ बालपरी दोनों से मिलेगी, दोनों का हौसला बढ़ाती हुई भी नजर आएंगी। विवान काफी ज्यादा इमोशनल होगा और तब इन्हें होगा कुछ इस तरह का एहसास, जिससे इन्हें ये बात आ जाएगी समझ कि देबू है उनके आसपास। यानी यहाँ पर बालपरी, अनन्या और विवान देबू के बारे में कुछ जरूर जानने वाले हैं। एक और ये सब होगा तो वहीं अब आप देखेंगे कि 10 दिन के बाद जब बालवीर वापस जाएगा भगवान के पास, क्योंकि भगवान ने सिर्फ 10 दिन की मोहलत दी थी बालवीर को कि वो सिर्फ 10 दिन तक ही धरती लोक पर रह सकता है, लेकिन जब वो 11वें दिन जाएगा भगवान के पास तो उसके काम देखकर, उसकी अच्छाई देखकर भगवान बालवीर को वापस से भेज देंगे धरती लोक पर कि धरती लोक पर तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से अब बुराई बढ़ रही है और उस को रोकने के लिए, उसे खत्म करने के लिए तुम्हारा धरती लोक पर होना बेहद जरूरी है। यानी अब हमारा देबू अपने इंसानी रूप में फिर से वापस आने वाला है और उसके आने के बाद शो होगा और भी ज्यादा मजेदार। वल इन्हीं सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से रे का असली सच आ जाएगा सभी के सामने। जी हाँ दोस्तों, देबू की मदद से रे का सच विवान और अनन्या के सामने भी आ जाएगा, जहाँ विवान देखेगा देबू का असली चेहरा। एक और जहां विवान को होगा रे पर सबसे ज्यादा भरोसा, सबसे ज्यादा यकीन, लेकिन जब अनन्या और विवान दोनों को ही रे का सारा सच पता चलेगा तो वो दोनों और भी ज्यादा टूट जाएंगे। क्या ये सब कुछ इतना आसान होगा? कौन कौन से नए ट्विस्ट एंड टर्न्स अब शो की कहानी में आते हैं, ये जानने के लिए तो आपको देखना होगा सब टीवी पर बालवीर रिटर्न्स।